आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। 23 नवंबर रात में तकरीबन 12:30 बजे के दरमियान मैं मेरे वार्ड से पैदल मेरे घर की तरफ जा रहा था। जाते जाते अमन चौक के अंदर वो 3 पुलिस वाले थे और 1 PSI था। वो जो PSI थे वो एक बच्चे को मार रहे थे, तो मैं रुक कर उनको बोला साहब क्यों मार रहे, उसने क्या किया बोला। उसके ऊपर से उन्होंने मेरे से दो बात किए और कोई इसमें धक्का मुक्की नहीं हुई। उन्होंने उल्टा मुझे कहा कि चलो तुम अपना काम करो। बोले साहब ठीक है हम हमारा काम करें, तुम भी अपना काम करो, मगर इस तरीके से मत करो जिस तरीके से आप कर रहे बच्चे को मार दिया। और उन्होंने मेरे खिलाफ में खोटी फरियाद दिया। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कल हम लोग एक लेटर देने वाले हैं जिला SP साहब को, IG को, गृह मंत्री को भी लेटर देंगे, यहाँ पर एडिशनल SP साहब को भी लेटर देंगे। इसकी तहकीकात एक DYSP रेंज के ऑफिसर से होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए कि भाई ये बात क्या थी। उन्होंने बच्चों को बेतासा मारा, इसकी क्लिप भी आपने लोगों ने देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता देता हूँ, उनकी वीडियो क्लिप भी वायरल है। इस ऑफिसर ने गणपति विसर्जन के 2 दिन पहले भी चौक गुल्ली के ऊपर जाकर एक लेडीज ने एक ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेंट की थी, जबकि उनकी वो हत्या भी नहीं थी। उन्होंने जाके चौक गुल्ली के ऊपर उस ड्राइवर उन्हें ड्राइवर नहीं मिला, उस मालक को बेतासा मारा। मुझे मालक का फ़ोन आया, मैं मालिक और शहर ट्रक यूनियन का अध्यक्ष भी आप लोगों को बताता हूँ। मुझे जब उस मालक का फ़ोन आया कि भैया ऐसी ऐसी बात होगी तुम यहाँ पर, मैं रिक्शा करके रात को तकरीबन 1 बजे के दरमियान मैं मनमाड़ा चौक गुल्ली पर पहुँचा, तो यही ऑफिसर अप्पा साहेब भंडार इसके पास जब मैं पहुंचा तो खड़े हुए थे। मैंने ड्राइवर मालक से पूछा मतलब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर ने के खिलाफ कंप्लेंट की थी किसी अभी औरत ने, ये आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से यहाँ पर आए और इन्होंने मुझे नहीं पहचानते हुए मैं बेतासा मारा। मैंने बोला था मेरा कसूर क्या है, इन्होंने मेरी एक बात को न सुनी। मैंने फिर उनसे बात करने की कोशिश की कि साहब क्या बात है, बोले वो औरत ने कंप्लेंट की है। मैंने फिर उनको समझाने की कोशिश किया और समझाने की कोशिश करने के बाद वो नहीं माने। उन्होंने जो है एक बड़ी रकम का मुतालबा किया, बोले 2 लाख रुपये दे दो मामले को ख़त्म करता हूँ। मैंने उनको ये कहा कि तुम्हारी हत्या नहीं है, तुम जो तुम्हारी हत्या है उस हत्या के अंदर जाकर वो उनको उनकी कंप्लेंट दाखिल करो, तुम यहाँ पर आए कैसे मनमाड़ चौक गुल्ली के ऊपर। इतना बोल के मैं अपने रिक्शा के अंदर बैठ के चली गई। इसकी फरियाद मैंने उस वक्त के सीनियर SP सचिन पाटिल साहब को गणपति विसर्जन के दिन जिस दिन वो यहाँ मालेगांव आए, मैंने किला के पीछे जो गणेश कुंड है वहाँ पर जाकर उनके बारे में बोला कि साहब इन्होंने इस तरीके की परसों के दिन हरकत की है। साहब ने उन्होंने लिखे भी उसके अंदर, बोले ठीक है मैं देखता हूँ क्या मामला थे। उसके बाद फिर उन्होंने एक हरकत की है सुलेमानी चौक के अंदर नवंबर के महीने में, 30 नवंबर को उन्होंने एक ड्राइवर को, हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार है हाफिज भाई, ये वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को बैठा के लेके जा रहे थे मोटरसाइकिल के ऊपर। इसने बेतासा वो ड्राइवर को पीछे बैठा हुआ था मारे, वहाँ पर पब्लिक जमा हो गई, रात का बज रहा था 2। मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किए, मैं सोने के लिए जा रहा था, मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ से वो निकल चुके थे। ये बात की भी मैंने उनको बताया, दूसरे दिन आज़ाद नगर PI को बताया कि ये तुम्हारे PSI ने ऐसी हरकत किया। और जिस दिन मेरे साथ में ऐसा हादसा हुआ उस दिन भी मैंने PI साहब को उसी टाइम फ़ोन करके बताया कि ये इसने ऐसी ऐसी हरकत किया है, देख लो ये ऐसा था मामला है। उसके साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। मेरा ये सब मेरा यही बोलना है कि ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है ये एक अच्छा इल्ज़ाम नहीं है कि पुलिस से मैंने झगड़ा किया, धक्का मुक्की किया, ये इल्ज़ाम मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता। कोई भी DYSP रेंज के ऑफिसर से इसकी तहकीकात करना चाहिए कि ये मामला क्यों हुआ और कैसे हुआ। मेरा यही मुतालबा है उनके लिए बारे में, और हम अब एक लेटर देने वाले हैं 2-4 रोज़ के अंदर सब ऑफिसर लोगों को, और हम लोग उनका मुतालबा ही करेंगे उनकी यहाँ से बदली करो और उनकी चौकसी किया जाए, और अगर वो कसूरवार है तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, और मैं कसूरवार है तो मुझे सज़ा मिलना चाहिए। एक बड़ा राज है कुछ ना कुछ, क्योंकि
किसी के दबाव में अगर इन्होंने किया होगा तो अच्छी बात नहीं है। अगर उनको करना रहता डिपार्टमेंट को, तो उसी टाइम डिपार्टमेंट मेरे ऊपर FIR दाखिल करती थी। 20 घंटे के बाद मेरे ऊपर FIR दाखिल हुई, ये अच्छी बात नहीं है। अगर बड़े अधिकारी चाहते तो सामने हमने बैठाते थे और पूछते थे कि क्या मामला हो। ये एकदम खराखर खोटा मामला है कि जो पुलिस के अंदर फिरियाद में कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर 25 साल से कर रहा हूँ, मुझे बताने की जरूरत क्या है? वो तो आज पुलिस का रोज का काम है उनका बंद करने का, कायदा मैं क्यों हाथ में लूंगा? कोई आज उनका पहले दिन आएगी पुलिस, उनका काम है वो बंद करती है पब्लिक उनका तो बंद करके वो चले जाती है, इनका रोज की ड्यूटी है वो निभाती है। मुझे कभी हम उसमें इंटरफेयर करने की हमको जरूरत नहीं था। कोई नया मामला था कि आदमी बोल रहा है तो बात अलग है, ये रोज पुलिस आती है, रोज बंद करती है, रोज चले जाती है।